AMTS online classes. Today we are going to start with chapter 16 of English literature, The Big Fight. In this story we are going to see a fight between the sun and the moon. Is story mein hum dekhenge that the sun and the moon, they are fighting among themselves. Dono aapas mein ladai karte rehte hain. So this story is taken from a very long ago time. बहुत पहले की बात है, जब starting में moon और sun रहते थे sky में. So that time when the sun comes out, जब sun आता था, then it was day और बहुत ही beautiful सारी चीजें दिखती थी. All the things then looked colorful and beautiful. क्योंकि दिन में ही दिखाई देता है, डे टाइम में ही वी कैन सी द थिंग्स क्लियरली सनलाइट में. एंड एट नाइट व्हाट हैपेंड, तब रात में ऐसा होता था दैट व्हेन द मून कम्स आउट देन एवरीथिंग वाज जस्ट डार्क, कुछ भी दिखाई नहीं देता था. रात के टाइम में जब मून निकलता था तो सब जगह सिर्फ अंधेरा रहता था, कुछ भी नहीं दिखता था. तो मून फेल्ट वेरी बैड, वेरी अपसेट. हर समय मून बहुत ही सैड फील करता था क्योंकि उसके आते ही बिल्कुल डार्कनेस हो जाता था, सब कुछ ब्लैक दिखता था. एंड मून कंप्लेन एवरी टाइम टू द सन, सन से हमेशा मून यही कंप्लेन करता रहता था. द मून ग्रम्बल्ड ऑल द टाइम एंड द मीनिंग ऑफ ग्रम्बल्ड इज कंप्लेन. हर टाइम यही कंप्लेन रहता था मून का दैट व्हेन एवर आई कम आउट, जैसे ही मैं आता हूँ वैसे ही हर जगह बिल्कुल डार्कनेस हो जाता है, हर जगह अंधेरा हो जाता है. एंड पीपल डोंट लाइक दिस नाइट टाइम, ये नाइट का टाइम किसी को भी अच्छा नहीं लगता. एंड पीपल गो टू स्लीप, लोग सो जाते हैं. बट द सन डिडंट केयर, सन कभी उसकी बात नहीं सुनता था. एंड एज नाइट कम्स, जैसे रात होती थी वैसे सन भी सो जाता था. लाइक द वर्ल्ड, जैसे पीपल सो जाते हैं रात को वैसे सन भी सो जाता था. एंड द मून हैज टू ट्रेवल द होल नाइट अलोन इन डार्कनेस, अकेले ही मून को पूरी रात डार्कनेस में घूमना पड़ता था. सो देन इट जस्ट सेड, हर टाइम अपना कंप्लेन करते करते जब वो थक गया मून, देन व्हाट इट डिड, उसने सोचा कि मैं डिसअपीयर हो जाऊंगा. इट सेड इट इज ऑल योर फॉल्ट, मून ने सन से कहा कि ये सारी तुम्हारी फॉल्ट है. यू हैव टेकन एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ, सब कुछ अच्छा जितनी चीजें वो सब तुमने अपने लिए ही ले लिया. द डे टाइम इज ब्यूटिफुल एंड द नाइट इज अगली, और डे टाइम ब्यूटिफुल है और नाइट बिल्कुल अगली है. ईदर यू गिव मी हाफ ऑफ योर कलर्स और आई विल डिसअपीयर, मून ने सन से कहा अगर तुम मुझे अपने कलर्स, हाफ कलर्स मुझे भी दो, नहीं तो मैं डिसअपीयर हो जाऊंगा. एंड द मीनिंग ऑफ डिसअपीयर इज गो अवे. द सन वॉज एट फॉल्ट, फॉल्ट की मीनिंग है मिस्टेक, सारी का सारा मिस्टेक सन टाइम है. सन की वजह से डे टाइम पे तो लाइट रहती है और रात में अंधेरा रहता है. बट द सन जस्ट मेड फन ऑफ इट, सन ने उसका मजाक उड़ाया मून का. एंड व्हाट इट सेड, द नाइट मस्ट स्टे डार्क, सन ने कहा नाइट को तो डार्कनेस ही रहती है, अंधेरा ही रहने तो नाइट के टाइम. द वर्ल्ड हैज टू स्लीप, लोगों को सोना रहता है. एंड सो डू आई, और मुझे भी सोना रहता है. आउट ऑफ माई वे, आई एम ऑफ टू बेड, और सन ने मून से कहा कि तुम हटो मेरे रास्ते से. लेट मी गो टू बेड, लेट मी स्लीप, मुझे भी सोना है. देन ही डिसअपीयर्ड इन द डार्कनेस, और वो चला गया सन. देन द मून बिगैन टू सल्क, और मून जो था वो बिल्कुल सैड हो गया, बिल्कुल उदास हो गया और अकेला अपनी सैडनेस में रह गया. देन अ फ्यू डेज लेटर, थोड़े दिनों के बाद स्काई ने सन से कहा कि मून स्लोली स्लोली डिसअपियर हो रहा है, वो धीरे धीरे उसका साइज कम होता जा रहा है. जब ये बात सुना सन ने, तब सन ने क्या कहा, इट मस्ट बी वन ऑफ हिज ट्रिक्स, ये कोई ना कोई उसकी सिली सी ट्रिक है, कोई ना कोई उसका प्लान है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है. बट स्लोली द मून हैज बॉट अ क्रिसेंट शेप, स्लोली मून का शेप क्रिसेंट के जैसा हो गया, बिल्कुल पतली सी लाइन जैसा ही मून का शेप रह गया. एंड ओनली दैट मच पार्ट ऑफ द मून वॉज विजिबल, बस इतना सही पार्ट उसका विजिबल था.
का, जितने पतले आपके हेयर हैं उतना पतला सा ही मून का पार्ट बस विजिबल रह गया था। देन वन मॉर्निंग द मून कॉल्ड आउट प्राउडली, देयर यू आर, यू सी आई एम डिसअपीयरिंग, इफ द नाइट मस्ट बी डार्क देन लेट इट बी एज ब्लैक एज पिच। तो मून ने क्या कहा, मून कहा कि मैं तो पूरा तरह से डिसअपीयर हो जाऊंगा अगर तुम यही चाहते हो कि नाइट का टाइम बिल्कुल डार्क रहे। एज डार्क एज पिच, पिच इज द सब्सटेंस विच इज यूज टू मेक द रोड, जिस सब्सटेंस से, ब्लैक कलर के सब्सटेंस से रोड बनता है उसको पिच कहते हैं। सो नाइट को उतना ही डार्क उतना ही अंधेरा रहने दो, मैं पूरी तरह डिसअपीयर हो जा रहा हूं। दैट पफ्ड अप येलो डंपलिंग, और मून ने सन को येलो डंपलिंग कहा। मीनिंग ऑफ डंपलिंग इज अ स्मॉल बॉल ऑफ डो, यानी आटे का गोला, क्योंकि सन का शेप तो कभी चेंज नहीं होता। सन इज ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप, बॉल के जैसा ही उसका शेप हमेशा रहता है सन का। सो मून इज सेइंग कि तुम हमेशा जैसे हो वैसे ही रहो अपने डंपलिंग के शेप में, एंड आई एम गोइंग टू वैनिश, आई एम गोइंग टू डिसअपीयर। आफ्टर ही शाउटेड दीज वर्ड्स देन ही डिसअपीयर्ड कंप्लीटली, इतना बोलने के बाद मून पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गया। देन द सन सेड, सन ने क्या बोला, सिली शाउटेड द सन एंग्रीली, बट इट वॉज नो यूज, द मून डिडंट कम बैक। मून को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मून अब डिसअपीयर हो चुका था। सन गुस्सा दिखाने लगा कि ये तो बिल्कुल बेवकूफी की बातें कर रहा है, बहुत सिली बातें हैं मून की। बट दैट नाइट देयर वॉज नो मून इन द स्काई, जब नाइट का टाइम हुआ तो कोई बिल्कुल भी मून नहीं था स्काई, और इट वॉज कम्प्लीट डार्कनेस, बिल्कुल अंधेरा था एवरीवेयर, इट वॉज कम्प्लीट डार्कनेस। उस दिन उस रात को सन को भी बहुत बुरा लग रहा था, और उसने फील किया कि ऐसे डार्कनेस में जब सब लोग सो जाते हैं और स्काई में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो मून कैसे अकेला सर्वाइव करता होगा, कैसे अकेला सफर करता होगा, पूरी नाइट अंधेरे में अकेला कैसे रहता होगा। तब सन को रियलाइज हुआ कि यस, मून वॉज राइट इन कंप्लेनिंग, मून जो कंप्लेन करता था वो अपनी प्लेस पे बिल्कुल करेक्ट था। इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू रिमेन अलोन इन डार्कनेस, अकेले अंधेरे में रहना कितना बुरा है, ये सन को रियलाइज हो गया। देन व्हाट सन डिड, सन फेल्ट वेरी मच डिप्रेस्ड इटसेल्फ एंड इट जस्ट स्टार्टेड टू क्राई, सन भी रोने लगा जब उसने फील किया उस सैडनेस को। बट इट थॉट ऑफ एन आइडिया, सन को एक आइडिया सूझा, उसने क्या किया, इट टुक आउट अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, अपने बाल निकाले सन ने, एंड जस्ट थ्रू इट अवे इन द स्काई, अपना एक एक स्ट्रैंड, एक एक बाल निकाल के, हेयर निकाल के उसने स्काई में थ्रो करना शुरू किया। बट द हेयर जस्ट टुक द शेप ऑफ अ बॉल, बॉल का शेप लेकर के वो उसके हेयर के पीसेस जो है वो स्काई में हर जगह स्प्रेड हो गए। एंड डूइंग सो द सन जस्ट मेड द स्काई डेकोरेटेड विथ स्टार्स, स्मॉल बॉल्स, अपने तरीके के स्मॉल बॉल्स उसने पूरे स्काई में स्प्रेड कर दिया। एंड द स्काई वॉज डेकोरेटेड लाइक अ क्रिसमस ट्री, बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह स्काई को सन ने डेकोरेट कर दिया था। नाउ देयर वर स्मॉल बॉल्स ग्लोइंग इन द डार्क स्काई, अब अंधेरा नहीं रह गया था। नाउ द स्काई वॉज नो मोर ब्लैक इन कलर, अब स्मॉल बॉल्स ग्लो कर रहे थे स्काई में हर जगह। When this, then he did whatever he did, इतना करने के बाद सन बिल्कुल थक गया और उसने कहा कि now that is enough, अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। If now also moon feels depressed, then it is not my fault, अब उसने कहा कि इतना कुछ मैंने कर दिया, अब sky में अंधेरा नहीं रह गया, अब moon को at least अच्छा लगेगा कि वो अकेला नहीं है, small balls are also glowing in the स्काई, अब रात में भी बॉल के शेप के स्टार्स ग्लो करेंगे स्काई में। सो व्हेन द मून हर्ड ऑल दीज थिंग्स, जब मून ने ये बातें सुनी, देन इट पीप्ड आउट, वो बाहर आया स्काई में और उसने देखा कि नाउ द स्काई इज ग्लोइंग विथ स्टार्स एंड इट जस्ट फेल्ट अमेज्ड, अ फीलिंग ऑफ अमेजमेंट वॉज देयर इन द मून। मीनिंग ऑफ अमेजमेंट इज फीलिंग सरप्राइज, बिल्कुल सरप्राइज रह गया मून, बिकॉज नाउ द स्काई इज फुल ऑफ स्टार्स,
डे। अब डे के टाइम से भी ज्यादा सुंदर रात का स्काई लग रहा था। द मून इज आउट, द मून इज आउट, शाउटेड द स्काई। अब मून जब हैप्पी फील किया तो वो बाहर आ गया। एंड द स्काई शाउटेड इन हैप्पीनेस, स्काई चिल्लाने लगा कि मून बाहर आ चुका है, मून अब विजिबल हो रहा है। सो द स्लीपी सन देन क्रेप्ट आउट सेइंग, व्हाट्स दैट, व्हाट्स दैट, अबाउट टाइम टू। एंड ही हिड बिहाइंड अ क्लाउड एंड ट्राइड टू गो ऑफ टू स्लीप अगेन। जब तक चिल्लाया स्काई ने तो सन ने क्या किया, सन ने देखा बोला क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, क्या बात है, क्या मेरे बाहर आने का टाइम हो गया, यानी डे टाइम होने वाला है। लेकिन सन को अभी भी नींद आ रही थी, उसने क्या किया, एक क्लाउड के पीछे छुप गया और फिर से सोने लगा। अगेन वेंट ऑफ टू स्लीप। सो दैट इज हाउ द स्टार्स केम टू बी, इसी तरह से स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। देन द मॉर्निंग ब्रीज ड्रोव अवे द क्लाउड्स, द सन ब्लिंक्ड एंड अनदर डे बिगन। लेकिन जब मॉर्निंग ब्रीज चली, जब मॉर्निंग का टाइम हुआ तो क्लाउड्स हट गए और फुल सन विजिबल हो गया एंड अ न्यू डे बिगन। अब नया दिन शुरू हो गया था। सो नाउ द मून वॉज ऑल्सो हैप्पी बिकॉज नाउ इट वॉज नॉट अलोन इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, अब उसके साथ स्टार्स भी थे रात के। सो हियर द फाइट कम्स टू एन एंड, द स्टोरी ऑल्सो कम्स टू एन एंड। आई होप यू लाइक द स्टोरी। थैंक यू।